नहीं है, ये साबित करने के लिए कि 50 साल पहले आपका परिवार एक प्रदेश में रहता था। अगर आपको सबूत नहीं है तो आपके पास ये सबूत नहीं है कि आप वोट कर सकते हैं, आपके पास ये सबूत नहीं है कि हमारे आप देश में रह सकते हैं, अपनी रोजी रोटी अपना जीवन जो है वो निर्वाह कर सकते हैं। ये सरकार उन लोगों के हकों को छीन रही है, उनकी रोटी छीन रही है, उनके वो अधिकार छीन रही है कि वो इस देश में अपना रोटी कमा सके, अप मेहनत मजदूरी कर सके और अपने आप को एक नागरिक मान के वोट कर सके। सिर्फ इनका यही एजेंडा है और यही इनका पोलिंदा है कि धर्म के आधार पे, कि कोई धर्म अगर वो हमें वोट नहीं देता है तो सबसे पहले उनका सिटीजनशिप राइट छीन लो, उनका वोटिंग राइट छीन लो। कोई धर्म अगर हमसे इतर खाना खाता है तो उनको सरेआम गलियों में जाकर सड़कों पर मार दो। ये आज इसका राजनीति इस भाजपा का हो गया है, इस केंद्र सरकार का हो गया है। और हमें जो भी डेमोक्रेटिक सेकुलर प्रोग्रेसिव संगठन है उनको साथ आना पड़ेगा। और इसलिए मैं वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ कि एक मंच ऐसा बना है जहाँ पर सारे सेकुलर प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक फोर्स साथ में आए हैं। और ये हम बोले हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, जो धर्म के आधार पर किसी की नागरिकता छीनता है, जो धर्म के आधार पर उसकी रोजी रोटी छीनता है, उसका वोट छीनता है, उसके खिलाफ हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंसान, हर एक रिसर्च स्कॉलर, हर एक स्टूडेंट, हर एक मजदूर खड़ा रहेगा जो सर्कुलरिज्म में बिलीव करता है, जो हमारे भारतीय संविधान में बिलीव करता है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है उनके मूल्यों पर चलना चाहता है, और जो एक ऐसा भारत बनाना चाहता है जिसमें न भाषा के आधार पर भेदभाव हो, न धर्म के आधार पर भेदभाव हो, न क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हो। और यकीनन जब ऐसे संगठन जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जो प्रोग्रेसिव विचारधारा में बिलीव करते हैं, ऐसे इंडिविजुअल अगर साथ में आएंगे, एक मंच में आएंगे, तो निश्चित ही हम एक ऐसा भारत का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम यही बोलना चाहेंगे और ये भी बोलना चाहेंगे, ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हो रही है, ये लड़ाई यहाँ से शुरू हो रही है। और ये लड़ाई तब खत्म होगी जब ये भाजपा सरकार, मोदी और शाह की जो सरकार है, वो उसको हम पार्लियामेंट से बाहर खींच के लेके आए और ये बोले कि ये जनता का हक है कि कौन सा बिल उसमें टेबल होना पड़ेगा पार्लियामेंट में, कौन सा बिल पास होना पड़ेगा और किसका अधिकार होना पड़ेगा कि वोट इस भारत में दे, इस भारत में अपनी रोजी रोटी कमाए, इस भारत में अपनी मजदूरी करे और अपने हकों की लड़ाई रहे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।